संबोधी हती। आगामी विधानसभा चूंटणी ने लईने राजकीय रंग जाम्यो छे त्यारे केन्द्रीय मंत्री पीयूष गोयले पत्रकार परिषद संबोधी हती अने भाजपे करेला विकासना कार्योनी गाथाओ वर्णवी हती तेमज आगामी विधानसभानी चूंटणीमां जंगी बहुमतीथी जीतनो आशावाद व्यक्त कर्यो हतो। आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है, 26 नवंबर। आज ही के दिन 73 साल पहले भारत की संविधान को अडॉप्ट किया गया था और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज के दिन को कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में मनाने का और देश को याद दिलाने का कि इस देश की क्या महत्वता है, जो प्रयोग किया है उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। आज के दिन सुबह जब मैं ट्विटर देख रहा था तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग ट्वीट मेरे समक्ष आया। 1999 में जब कॉन्स्टिट्यूशन के 50 वर्ष पूरे हुए थे, 50वां संविधान दिवस मनाया जा रहा था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक छोटा सा हैंड रिटन नोट अपने विचारों को व्यक्त करते हुए लिखा था, जो आज पढ़ने का सौभाग्य मिला और वो वास्तव में एक आई ओपनर है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विचारधारा को हम सबको समझाता है। उन्होंने कहा था कि भारत के संविधान के 50 वर्ष पूरे होने पर हम सभी ने एक राष्ट्रीय स्तर की जनता के बीच में चर्चा करने की आवश्यकता है। ગુજરાતમાં વિધાનસભાની પ્રથમ તબક્કાના મતદાનને લઈ સ્ટાર પ્રચારકોનો પ્રચંડ પ્રચાર ચાલી રહ્યો છે।